अगर आप कल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर रुख करें तो आपको ये एडवाइसरी जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि खास तौर पर 9 मार्च यानी कि कल के लिए जो है ये जारी किया गया है। एक ऑर्डर, क्या ऑर्डर है वो आप तक पूरी जानकारी दूंगी, और इसी के रिगार्डिंग जो है हमारे संवाददाता नदीम मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नदीम, आपसे ही जानना चाहूंगी, ऑर्डर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जो कि 9 मार्च को बताया जा रहा है, और क्या कुछ इस ऑर्डर में जारी किया गया है, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल जसमीन, देखिए जो ऑर्डर है एक एडवाइजरी है, और एडवाइजरी जो है ट्रैफिक एडवाइजरी है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों जब मौसम खराब हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे पास हाईवे पे इसका काफी ज्यादा असर पड़ा, और हाईवे पर जब असर पड़ता है तो जाहिर सी बात है हाईवे श्रिंक हो जाता है, और जहां पे डबल क्रॉसिंग है, डबल वे है, वो सिंगल वे तक रह जाता है, ताकि हाईवे पूरी तरह से बंद होता है। लेकिन उस वक्त क्लियरेंस एजेंसी और ट्रैफिक को काम की यही कोशिश रहती है कि हम इस रोड को सिंगल वे करके जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स है उन्हें आगे बढ़ाएं। हालांकि उसके बाद उसी पैटर्न पर ट्रैफिक भी चला, हमने देखा कि एक एडवाइजरी भी रोज शाम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें देखने को मिलती है, जिसमें बताया जाता है कि वन वे ट्रैफिक है। हालांकि आज देखेंगे आप कि आज भी हमने एक खबर की थी कि जो ट्रैफिक एडवाइजरी है वो इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो रही है, और वन वे होने के बावजूद दोनों तरफ से ट्रैफिक चल रहा है, जबकि एडवाइजरी में एक तरफा ट्रैफिक की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर ये उसी खबर का असर है, जहां हम देख रहे हैं कि उसके फौरन बाद एक जो है हाल्टी निकला है, एक एडवाइजरी जारी की गई है कि कल यानी कल 9 तारीख के रात 10 बजे के बाद और 10 तारीख के दोपहर 12 बजे के बीच किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। और इस दौरान ये बताया गया है, क्योंकि ये जो एडवाइजरी जब आप पढ़ेंगे तो इसमें मेंशन किया गया है कि ढलवास ही नहीं, लेकिन ढलवास के अलावा भी हमारे पास जो स्ट्रेट ऐसे हैं जहां पे सिंगल वे है उसको डबल में कन्वर्ट किया जाएगा, और इस दौरान किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि हमने पिछले दिनों भी देखा कि जब इस तरह के ट्रैफिक ड्राई डेज की बात करें, या फिर यहाँ हम ट्रैफिक ड्राई आवर्स की बात करेंगे, यहाँ पर इमरजेंसी को टैकल किया जाएगा, जो भी पेशेंट फेयरिंग एम्बुलेंस हो या फिर दूसरी तरह की इमरजेंसीज हो उन्हें कहीं ना कहीं डील किया जाता है। वहां पे जो हमने देखा कि नोडल ऑफिसर्स भी लगाए जाते हैं जो तमाम इन चीजों को देखते हैं कि क्या परेशानी है, कहाँ पे कोई अर्जेंट चीजें हैं जिन गाड़ियों को यहाँ चलने दिया जाए। हालांकि कुछ लोग इस तरह से अगर घर निकलेंगे कि नहीं, जब हम इमरजेंसी के आड़ में वहां से निकल जाए तो ऐसा भी नहीं होगा, वहां पे कंप्लीट रेस्टोरेशन का काम चलेगा, रोड को वाइड करने का काम चलेगा, और ऐसे में ये जो 10 बजे से यानी कल रात 10 बजे से परसों सुबह नहीं बल्कि दोपहर 12 बजे तक किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी, ऐसा एडवाइजरी में जारी किया गया है, कहा गया है। अब देखना ये होगा कि एक तरफ ट्रैफिक जैम से लोगों को छुटकारा दिलाना है तो जाहिर सी बात है इस एडवाइजरी को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हालांकि इस बीच कहा गया है क्योंकि बानिहाल और नाशरी के बीच जो भी सिंगल वेज है उनको डबल में कन्वर्ट करना है, तो लोकल ट्रांसपोर्ट भी इससे मुतासिर होगा, जिसमें हम बटोत रामबन की बात करें, रामबन बानिहाल की बात करें, रामबन पोगल परिस्तान या उखड़ाल की बात करें, वो तमाम रूट्स भी इससे डिस्टर्ब रहने वाले हैं। जी जसदीप जी नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल नदीम ने जिस तरह से ये पूरी जानकारी दी है और बताया है कि फिलहाल 9 मार्च रात के 10 बजे से अगर बात करें तो 10th के नून तक जो है, यानी कि दिन तक जो है, ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि लगातार जहां पर आए दिन जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई बार लैंडस्लाइड की वजह से और कई बार जो है शूटिंग स्टोन्स की वजह से आए दिन देखने को मिलता है कि ट्रैफिक जो है वहां पर इस तरह से रोक दिया जाता है। तो फिलहाल तमाम लोगों की सहूलियत के लिए ही जो है प्रशासन की तरफ से पहले ही इसको लेकर ऑर्डर जारी कर दिया गया, ताकि आपको वहां पर ट्रैफिक में ना फंसना पड़े। और अगर आप कुछ इस तरह का प्लान कर रहे थे रात को ट्रैवल करने का, तो फिलहाल आपको बता दूं कि आप अपना प्लान जो है वो पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये हॉल्ट जो है 14 आवर्स का रहने वाला है ट्रैफिक बंद, जहां पर 9 मार्च के रात के 10 बजे से लेकर जो है 10th के नून तक, 11 बजे तक जो है अगले दिन तक ये इसी तरह से रास्ता जो है बंद रहेगा। जिस तरह से बताया जा रहा है कि वहां पर वाइडनिंग का काम चल रहा है, तो उसके चलते जो है ट्रैफिक मूवमेंट को रोक दिया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से बताया गया, जो कैरेज वे है 2 लेन्स ऑफ द दलवार से लेकर जो है नाश्री फ्रॉम टू बनिहाल तक जो है ये इस तरह काम जो है चलेगा, और इसको ध्यान में रखते हुए तमाम लोगों को ये जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट।